हेलो व्यूअर्स वेलकम टू जी के एल क्लासेज एंड टूडे वी आर गोइंग टू डू क्लास एट साइंस वर्कशीट थर्टीथ जिसकी डेट है आपकी इलेवंथ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो हेयर द स्टूडेंट्स विल राइट दर नेम एंड हेयर यू विल राइट द टीचर्स नेम सो नाउ टूडेज टॉपिक इज इज़ फ्रॉम द चैप्टर लाइट सो हेयर लाइट के बारे में आपका यहाँ पे जो है आइज़ के फंक्शंस के बारे में इसमें जो है मैंशन किया गया है आई इज़ वन ऑफ अवर मोस्ट सेंस ऑर्गन That gives us the ability to see the world around us. It act as a camera of our body. तो आइज जो है हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करती हैं कैमरे की तरह करती हैं और ये हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेंस ऑर्गन है जिसकी वजह से जो है मदद से जो है हम जो है पूरी दुनिया को देख सकते हैं लेट एस नो मोर अबाउट आई तो अब यहाँ पे आई के बारे में एक तो यहाँ पर आपको इसका डायग्राम दिया गया और इस डायग्राम को यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया आई के बारे में द आई हैज रफ रफली स्फेरिकल शेप तो स्फेरिकल शेप यानी गोल शेप है थोड़ी सी इसकी जो है रफली जो है गोल शेप बोलेंगे इसको स्फेरिकल शेप और जो है द आउटर कोर्ट ऑफ द आई इज़ वाइट एंड इट इज इट इज टफ एंड कॉल्ड स्कलरा तो यहाँ पे जो है आउटर लेयर जो है इसकी जो है कौन से कलर की ये वाइट कलर की है सो so, यहाँ पे जो है दिस इज एक्सप्लेन एज स्क्रा नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया तो कॉर्निया आगे का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट जो है उसको जो है यहाँ पे जो है कॉर्निया बोला जाता है एंड द नेक्स्ट इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया विच इज़ कॉल्ड आयरिस तो इसको आयरस बोलते हैं जो कॉर्निया के पीछे जो है ये डार्क कलर का स्ट्रक्चर है एंड द डिस्टिंगटिव कलर ऑफ द आइज इज़ ड्यू टू आयरिस तो जो आप देखते हैं कि अलग अलग कलर की आइज़ दिखती हैं इट मे बी ब्लैक कलर की आइज हैं ब्राउन कलर की ब्लू या ग्रीन कलर की आइज होती हैं तो ये सब जो है वो किसकी वजह से होता है ये सब आपका जो है आइरिस की वजह से जो है डिफरेंट कलर्स जो है आपको आइस के दिखते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट इट इज़ आइरिस इन द आइरिस देयर इज स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल तो आइरिस के अंदर ये एक स्मॉल ओपनिंग जो है जिसे बोलते हैं प्यूपिल द साइज़ ऑफ प्यूपिल इज रिड्यूज इन द इंटेंस लाइट अगर आपकी आइज पे अचानक से काफ़ी तेज़ अगर लाइट पड़ती है तो जो ये प्यूपिल है इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है एंड गेट ए लार्ज इन डिम लाइट और अगर डिम लाइट होती है कम लाइट होती है तो जो पीपल के जो साइज है वो एन लार्ज यानी बड़ा हो जाता है सो दिस इज़ कंट्रोल बाय आयरिस तो यह सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है आयरिस कंट्रोल करता है एंड दस आयरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इन टू अवर आइस तो हमारी आंखों में कितनी लाइट जानी चाहिए उस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है आपका आयरिस जो है वो कंट्रोल करता है यानी आप देखते भी हो जब आपकी आइस पे अचानक से कहीं अंधेरे में आप जा रहे हो तेज़ लाइट अचानक से पड़े आपकी आंखें ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी बंद हो जाती हैं उतना ही आप देख पाते हो थोड़ी थोड़ी आइस खोल कर और और जब आपकी डिम लाइट होती है या आप किसी चीज़ को कम लाइट में रोशनी में जो है ध्यान से देखने की कोशिश करते हो तो आप उतनी आइस को ज़्यादा ओपन करके जो है उसे देखते हो तो ये सब जो है कौन कंट्रोल करता है आयरिस कंट्रोल करता है बिहाइंड द पीपल ऑफ द आई इज़ एन इज़ आई लेंस आई लेंस होता है इट इज कॉन्वेक्स इन शेप कॉन्वेक्स की शेप में होता है एंड द लेंस फोकस इज लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन द स्क्रीन कॉल्ड रेटिना तो जो लेंस है वो जो है बैक ऑफ द काइज में रेटिना पे जो है आपका जो है फोकस जो है स्क्रीन पर होता है द रेटिना कंटेन्स टू टाइप ऑफ लाइट सेंसिस नर्व सेल्स अब रेटीना के अंदर जो है टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसीटिव नर्व सेल होते हैं एक होता है आपका रोड सेल दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं नेक्स्ट इज द सेल दीज़ आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट एंड कलर ऑप्टिव ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक नर्व के ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट द सेंसेशंस इमेज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स टू द ब्रेन ये ब्रेन को जो हमारे है हमारे मैसेज पहुंचाती हैं और सिग्नल्स uh, देती हैं एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड retina देयर आर सो many सेंसरी सेल्स सिंस नो विजन इज पॉसिबल एट दिस स्पॉट इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट क्योंकि यहाँ पर जो है कई सारी जो नर्व्स हैं retina है सेंसरी सेल्स होते हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है कोई विजन जो है वो नहीं बनता तो इस एरिया को क्या बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट जो है वो बोला जाता है नाउ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आइज अब यहाँ पे आइज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएगी फैक्ट्स बताए गए पहला बताया है, द ह्यूमन आइज कैन डिफरेंश अप्रॉक्सीमेटली टेन मिलियन डिफरेंट कलर्स जो हमारी आंखें हैं इंसानों की वो कम से कम टेन मिलियन डिफरेंट कलर्स जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सो द ह्यूमन आई आई ब्लिक सेवनटीन टाइम्स पर मिनट और एवरेज ऑफ फोर मिलियन टू हंड्रेड थाउजेंड टाइम्स अ ईयर तो एक मिनट के अंदर जो है सेवनटीन टाइम्स सेवनटीन बार जो, हमारी जो है हमारी आईज पल के जो हैं वो ब्लिंक करती हैं नेक्स्ट इट्स इम्पॉसिबल टू स्नीज विद योर ओपन आइज आप स्नीज या जो आप छींक मारते हैं जो स्नीजिंग करते हैं आप तो कभी भी आप ओपन आइज़ के साथ खुली आंखों के साथ जो आप कभी भी छींक नहीं मार सकते आपकी आईज ऑटोमेटिकली आप, जो हमेशा बंद हो जाएंगी वाइल आप फिंगर प्रिंट हैज फोर्टी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स एंड आई हैज टू फिफ्टी सिक्स तो यहाँ पे जो है फिंगर्स के जैसे कह रहे हैं फिंगर प्रिंट्स होते हैं अलग अलग uh, उसके होते हैं तो फोर्टी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं फिंगर प्रिंट्स के तो आइरिस के कितने करैक्टर सिक्स हैं टू फिफ्टी सिक्स नाउ नेक्स्ट चीज़ ऑयली फिश विटामिन एंड विटामिन सी ऑल हेल्प टू प्रिजर्व गुड आईसाइट तो गुड आईसाइट यानी आँखों की रोशनी अगर आपको अच्छी रखनी है तो उसके लिए आपको ऑयली फिश और विटामिन ए और विटामिन सी जो है वो ज़्यादा डाइट में कंज्यूम करना चाहिए एंड सिक्स आउट ऑफ सिक्स विजन मीन्स दैट द व्यूअर इज एबल टू रीड नॉर्मली एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स मीटर्स अगर सिक्स आउट ऑफ सिक्स विजन लिखा गया दैट मीन्स कि जो देखने वाला है वो सिक्स मीटर की दूरी तक एकदम नॉर्मल जो है वो देख सकता है अब हम इसी के साथ जो है इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं लाइक द फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज नेम टू टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना एंड राइट देयर फंक्शन तो रेटिना में जो आपके टू टाइप्स ऑफ जो सर्व्स और उनके फंक्शंस हैं वो आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे ही आपका आंसर वन हो जाएगा द रेटिना कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स और ये नर्व सेल्स आपके कौन से हैं रोड सेल्स और कौन सेल्स और रोड सेल्स के आगे इसका फंक्शन और आपका कौन सेल के आगे जो इसका फंक्शन जो है वो लिखा हो गया तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया नाउ सेकेंड क्वेश्चन है वट हैपन्स वट हैपन्स टू दीपल ऑफ द आईज वैन ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन योर आइज जब आपकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है तो क्या होता है आपकी जो प्यूपिल ऑफ द आईज है वो क्या हो जाती है छोटी हो जाती है बड़ी हो जाती है तो जब तेज लाइट होती है तो क्या होता है इन साइज ऑफ प्यूपिल इज तो आपका इसका आंसर कहाँ से क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका कि द साइज ऑफ द प्यूपिल इज इन द इंटेंस लाइट तो ये आपका आंसर नंबर हो गया आपका टू नाउ थर्ड क्वेश्चन आपका जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स नाउ फिल इन द ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट ब्लैंक है आपका द लेंस फोकसिस द लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेअर इज कॉल्ड रेटीना तो यहाँ पे इसका फर्स्ट का आंसर आर ई टी आई एन ए रेटीना हो जाएगा सेकेंड है द डिस्टिंग कलर ऑफ द आई इज ड्यू टू आंखों के जो अलग अलग कलर्स होते हैं किसकी वजह से होते हैं आयरिस आई आर आई एस आयरिस द स्पॉट एट विच नो विजन इज पॉसिबल इज कॉल्ड जहाँ पे कोई विजिबल स्पॉट पॉसिबल नहीं उसको क्या बोलते हैं आप ब्लैंक स्पॉट बी एल ए एन की ब्लैंक और एस पी ओ टी स्पॉट नाउ फोर्थ ब्लैंपल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन टू द आईज आंखों में जो अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर कर रही है वो कौन सी है आईरीज आई आर आई एस आईरीज ना फोर्थ क्वेश्चन आपका है हाउ आर वी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स हम जो है चीज़ों को कैसे देख पाते हैं तो द इमेज वी सी आर मेड अप ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विलू कैट एंड दिस लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया, विच एक्स लाइक अ विंडो एट फ्रंट ऑफ द आई द रेटिना इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द आई एंड इट्स जॉब इज टू टर्न लाइट इंटू सिग्नल्स अबाउट इमेजेस दैट द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड तो इसी के साथ जो है आपकी जो ये वर्कशीट जो आज की फिनिश होती है आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर होगी होगी थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग